ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अभी की बड़ी खबर, लालू कैंप से ही कांग्रेस में टूट की आशंका की खबरों के बीच लालू यादव ने कांग्रेस विधायकों से संपर्क किया है। कांग्रेस विधायक, आपको बता दें कि नीतू सिंह लालू से मिलेंगी, इस तरह की खबर आ रही है। हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लगातार पटना से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, मतलब कांग्रेस टूट सकती है, उसके विधायक टूट सकते हैं? देखिए, बात टूटने की नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जिस तरह से अब पाला बदल रहे हैं तो उसके बीच में कौन कौन सी संभावनाएं ऐसी हो सकती है ताकि ज़्यादा मजबूती से नीतीश कुमार अपनी सरकार को बना सकें या रख सकें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों की ज़रूरत हो सकती है। एक तरफ जहाँ लालू कैंप से ये खबर आ रही है लगातार कि जीतन राम मांझी को अप्रोच किया जा रहा है, जेडीयू के कई विधायकों को एब्सटेन किया जा सकता है, उन्हें अनुपस्थित रहने को कहा जा सकता है जब वोट होगा तब, तो ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं उन लोगों से लालू यादव खुद संपर्क साध रहे हैं और वो चाहते हैं कि कहीं से भी अगर कोई खबर आ रही है, कोई किसी के संपर्क में तो नहीं है कहीं कोई, क्योंकि इसके पहले भी कई बार कांग्रेस में टूट की खबरें आती रही थी, यहाँ तक कि आरजेडी में जब नीतीश और लालू अलग थे तो आरजेडी के कई एमएलसी साथ छोड़ करके नीतीश के कैंप में आ गए थे, तो ऐसा कोई ऑपरेशन न चल रहा हो जिसमें कि कांग्रेस में खलबली मच जाए और उनकी पार्टी का टूट का फायदा नीतीश कुमार को या नई गठबंधन जो बनने वाली है उस। प्रकाश, आपको रोक रहा हूं, जेडीयू के विधायक कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से विधायक संजीव सिंह हैं मौजूद बातचीत करने के लिए। क्या कल सब कुछ बदलाव नजर आ जाएगा? आज 26 जनवरी है, हम लोग अभी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं मैडम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कल कुछ बदलाव आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भोलेपन से आप जवाब दे रहे हैं, ये बताइए, बस एक जानकारी दे दीजिए कि क्या कांग्रेस के 10 विधायक को भी संपर्क में लिया है बीजेपी ने, बीजेपी जेडीयू ने? नहीं, ये हम लोग का दल तोड़ने में विश्वास नहीं रखता है, हम लोग का दल जोड़ने में विश्वास रखता है और बिहार के हित में जो अच्छा होगा वो कर रहे हैं, आगे भी करेंगे हमारे नेता। बस बैठक कब है जेडीयू की? जेडीयू का बैठक का मुझे अभी जानकारी नहीं मिला है। तो ये कंफ्यूजन में आप लोगों ने क्यों रखा है आरजेडी को? बार बार आरजेडी कह रही है कि संशय दूर कीजिए, ये संशय क्यों नहीं दूर कर देते? तो हम लोग तो सरकार में है ही मैडम, अभी हम लोग तो सरकार में है ही, तो इसमें संशय किस बात की है? सरकार में तो आप रहेंगे ही, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे ही, लेकिन ये सरकार किसके साथ रहेगी ये तो क्लियर कीजिए। तो ये तो सरकार जो अभी है कंटिन्यू हो रहा है, कल क्या होगा किसने जाना, तो कल के बाद अभी कल सोचेंगे हम लोग क्या करना है। नीतीश कुमार सीएम हैं और बुलंदी से आगे भी सीएम रहेंगे भी। किस बात की जाती है? अब बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन नीतीश जी सीएम थे, हैं, रहेंगे और बिहार के हित में जो डिसीजन होगा लेते आए हैं, आगे भी लेते रहेंगे, सारे विधायक, सारे सांसद, सारी जनता उनके साथ है। दरवाजा खुलता रहे, बंद होता रहे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। नेताजी का जो समाज सेवक है उनका तो दरवाजा हमेशा खुला रहता है सबके लिए, इसमें क्या, सबका स्वागत है हमारे घर में चाहे जो भी नेता है। अचानक ऐसा क्या हुआ संजीव कि बीजेपी ने द्वार खोल दिए नीतीश जी का स्वागत करने के लिए? देखिए, हम लोग किसी के पास नहीं जाते हैं, मतलब कि हम लोग तो सारे हमारे कह रहे कि आप नहीं गए तो क्या बीजेपी आपके पास आई है? भाई बीजेपी अभी आई कहाँ है, ये बात ही कहाँ हो रहा है कि बीजेपी आ गई, ये तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि बीजेपी आई है, तो बीजेपी तो अभी आई ही नहीं है, अभी तो बीजेपी तो वैसे ही है। लेकिन कुछ अगर हो भी राजनीति में तो कोई बड़ा बवंडर नहीं होना चाहिए, जो बिहार के हित में होगा होता है, आगे भी होगा, ऑब्वियसली संभावनाओं का खेल है। चलिए, तो ये मुस्कुराहट बता रही है कि बिहार में जो हो रहा है वो सबको पता है, सब कुछ पता है। पर्वत्ता से ये विधायक है संजीव सिंह जो इस वक्त कह रहे हैं कि राजनीति। तो आपने सुना जेडीयू के विधायक को, और ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, मैं नीरज के पास चलूंगा, हमारे सहयोगी बीजेपी से जुड़ी खबरों पर लगातार नजर बनाकर रखते हैं। नीरज, जेडीयू के एक विधायक कह रहे हैं कि अभी कोई किसी तरह से कुछ संपर्क नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब अंदर खाने चल क्या रहा है ऐसे में, वाकई में संशय की स्थिति है क्या? देखिए, राजनीति में बयानों का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि राजनीति में एक्शन का महत्व होता है। अभी फिलहाल की परिस्थितियों में एक्शन क्या क्या हो रहा है, एक्शन ये हो रहे हैं कि आप देखिए, सुबह से 1.5 घंटे के आसपास नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच
साझा करते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। एक्शन ये है कि राजभवन में एट होम होता है, वहां तेजस्वी यादव जाते नहीं है बल्कि उनकी जगह में उनकी कुर्सी पर अशोक चौधरी बैठते हैं। एक्शन ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है, उनके साथ बातचीत की जाती है, बैठक होती है और सारे नेता एक साथ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। अभी मैं जहां बैठा हूं ये भी यहां पे भी एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है मेरे ठीक पीछे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, ये सारे लोग बैठकर मंथन कर रहे हैं। और मंथन ये इतने खाली लोग नहीं है कि एक से डेढ़ घंटे दो घंटे ऐसे बैठे। इंग्लिश में कहावत भी है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कुल मिलाकर स्थितियां वही नजर आ रही हैं। मैं लिए चलता हूं अपने दर्शकों को प्रकाश कुमार के पास, हमारे सहयोगी पटना से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश, अभी संजीव जो वहां पर एक विधायक है संजीव कुमार, उन्हें हमने सुना, वो बीजेपी से बातचीत वाली बात पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। मतलब अर्थ बहुत कुछ अगर हम निकालें इसमें, बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो स्पष्ट है सब कुछ। अखिलेश, अब बिटवीन द लाइंस नहीं बल्कि सीधी लाइन देखने की जरूरत है। आप समझिए, दो मुद्दे हैं अखिलेश जिसे समझना होगा हमारे दर्शकों को। एक मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई, पहले वो पूरा कर लूं। जो शकील अहमद है, सीएलपी लीडर हैं, वो अभी पूर्णिया में है, राहुल गांधी की रैली होने वाली है उसकी तैयारियों में। उनका कहना है कि एक सप्ताह पहले ही उन्होंने एक चिट्ठी जारी की थी और कहा था कि जितने विधायक हैं सभी पूर्णिया में आ जाए और यहाँ मौजूद रहें। जबकि जो हमने अभी जानकारी दी, हमारे सहयोगी नवादा से हैं, उन्होंने बताया कि कैसे नीतू सिंह जो विधायिका हैं कांग्रेस की, उनको फोन गया है लालू यादव का और वो फिर वहां से दिल्ली पटना रवाना हो गई हैं। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की क्या तैयारी चल रही है, क्या एनडीए का कुनबा बड़ा करने के लिए ऐसी कोई योजना पर काम हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी टूट भी सकती है, ये तमाम सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल जो बैठक बुलाई गई अखिलेश, उसमें उस बैठक में न सिर्फ विधायक या विधान पार्षद रहेंगे बल्कि सांसद भी होंगे। तो ये भी समझना है कि आखिर सांसदों को क्यों बुलाया जा रहा है। जैसा कि सम्राट चौधरी या बाकी नेता कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई जा रही है, अभी तुरंत में तो कोई लोकसभा चुनाव है नहीं, तो ये बताया जाना है, लोग जितने भी विधायक हैं सांसद हैं सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाना है और कॉन्फिडेंस में लेकर ही जो निर्णय ऊपर से आया है, इंस्ट्रक्शन आया है, उसे सुनाना है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, एक तरफ थॉट स्ट्रेडिंग और एक तरफ तोड़फोड़, मतलब पिक्चर अब बाकी नहीं है। प्रकाश, पिक्चर बिल्कुल सामने आ चुकी है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े हुए लगातार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, जो कुछ बिहार में हो रहा है उसका देश की राजनीति पर अब क्या असर आप देखते हैं? खासतौर पर मेरा सवाल इंडिया गठबंधन के संदर्भ में है। इंडिया गठबंधन के संदर्भ में अगर आप पूछेंगे तो बहुत ही क्लियर है कि इंडिया गठबंधन का जो सबसे अधिक, जो सबसे उनके लिए प्राइम स्कोप था, उसमें दो ही राज्य थे, महाराष्ट्र और बिहार, जहां पर वो बड़ा उलटफेर कर सकते थे। एक बंगाल है, बंगाल में, लेकिन ऑलरेडी वहां पर बीजेपी एक ताकत के तौर पर पिछली बार भी 18 सीटें लाई थी, लेकिन बंगाल और बिहार दो थे, महाराष्ट्र और बिहार। महाराष्ट्र में पहले ही बड़ा तोड़फोड़ हो चुका था, ऑपरेशन बिहार बाकी था, ऑपरेशन बिहार भी लगभग कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो ये दो जगहें थी इंडिया गठबंधन के लिए, जहां वो उलटफेर करते, जहां वो लीड ले सकते थे, जहां वो अपना उनका जो पॉलिटिकल वजूद है उसको और ज्यादा और मजबूत कर सकते थे, वो उनके हाथ से खिसक रहा है, वो दिख रहा खिसकता हुआ। उनके सहयोगियों के बीच में जो टकराव है वो ऑलरेडी चरम में है और उस दौर में ये नुकसान उठाना उनके लिए ये बहुत ही पॉलिटिकली नुकसानदायक हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।